नमस्कार साथियों। तो देखिए, ग्राम विकास अधिकारी भर्ती के मामले में दोस्तों एक नई गिरफ्तारी हुई है, और यह जो गिरफ्तारी है इस व्यक्ति की है जो आप यहां पे देख रहे हैं, 32वीं नंबर की गिरफ्तारी है। और इस व्यक्ति की बात करें दोस्तों तो इसका नाम राजवीर सिंह है, हरिद्वार लक्सर का रहने वाला है। और इस व्यक्ति ने दोस्तों देखिये, इस व्यक्ति ने कुछ स्टूडेंट को जो लक्सर के क्षेत्र के आसपास के स्टूडेंट थे उन्हें धामपुर जो नकल सेंटर था वहां पर ये ले गया था। तो देखिए, बहुत अच्छी गुड न्यूज है आप सभी स्टूडेंट के लिए कि यहाँ पर जिन्होंने आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है उनकी गिरफ्तारी लगातार होती रही है, 32वीं गिरफ्तारी हो चुकी है। और देखिए दोस्तों, उम्मीद है कि अब यह गिरफ्तारी और भी आगे जाएगी, और लगभग लगभग 50 के आसपास ऐसे जो माफिया हैं दोस्तों वह भी यहाँ पर गिरफ्तार होंगे। तो देखिए दोस्तों, अपनी मांग उठाने के लिए यहाँ पर जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं श्री बॉबी पवार जी, उनके द्वारा यहाँ पर एक तिथि जारी की गई है, रैली की तिथि है 7 सितंबर 2022 की है। तो देखिए, देहरादून चलो का यहाँ पे नारा है, और 7 सितंबर 2022 को बहुत से स्टूडेंट काफ़ी लंबे समय से मांग कर रहे थे कि हमें अपनी आवाज़ को आगे रखना है, और इसी के संदर्भ में एक तिथि है वो जारी करे बेरोजगार संघ। तो देखिए, बॉबी पवार जी ने एक नई तिथि जारी की है, 7 सितंबर 2022। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, जो हमारे पूर्व अध्यक्ष थे, पूर्व सचिव थे, यानी सचिव की बात करते हैं संतोष बड़ोनी जी, तो जब यहाँ पर इनसे जब पेपर लीक हुआ था तो स्टूडेंट्स ने यहाँ पर अपनी मांग रखी थी, बात कही थी, तो यहाँ पर ये कह रहे थे कि यहाँ पर कोई भी नकल नहीं हुई है, कोई भी धांधली नहीं हुई है, हमने लगभग 90 के आसपास पेपर करवाए हैं, और इन सभी में पूर्ण देखिए पूर्ण पारदर्शी तरीके से हमने यहाँ पर पेपर करवाया है। लेकिन दोस्तों, आप सभी समझते हैं कि यहाँ पर UKSSC की जितनी भी भर्तियाँ हैं, जितने भी एग्जाम इन्होंने करवाए हैं, ये सभी शक के घेरे में है, पारदर्शिता तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, पारदर्शी का अंदाजा दोस्तों आप इस प्रकार लगाइए कि इन्हीं के ऑफिस में जो इन्हीं के यहां पर UKSSC है वहां पर जो सचिवालय रक्षा का पेपर है वो पेन ड्राइव से लीक हो जाता है। तो देखिए, अगर आप देखोगे, अगर हम फोन की बात करते हैं, अपने मोबाइल की बात करते हैं, हम सभी ने वहां पे पासवर्ड लगवा रखे होते हैं, और पासवर्ड किसी और को हम बताते नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर जो इतनी गोपनीयता जहाँ पर होनी चाहिए वहाँ पर ऐसी गोपनीयता क्यों नहीं है, क्यों यहाँ पर कोई भी यहाँ पर उस पेपर को चुरा सकता है और आगे जाकर बेच सकता है, तो इस पर दोस्तों इनकी जवाबदेही बनती है। लेकिन इन्हें हटा दिया गया था उस समय, और उसके बाद जो सचिवालय जो यहाँ पर है सचिवालय में वहाँ पर संयुक्त सचिव के पद पर इन्हें रखा गया था। लेकिन दोस्तों, अब जैसे जैसे मांग बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे नकल के जो यहाँ पर पर्दे हैं वो खुलते जा रहे हैं, तो इससे एक बात सामने आ रही है कि यहां पर जो संतोष बड़ोनी जी हैं अध्यक्ष से पूर्व हमारे, इन्होंने बहुत बड़ी यहां पर लापरवाही की है। देखिए दोस्तों, लापरवाही इन्होंने की है, और यहां पर कुछ स्टूडेंट यहां पर यह भी कह सकते हैं कि इनकी मिलीभगत भी हो, तो देखिए मिलीभगत है यह भी कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन दोस्तों लापरवाही है, और लापरवाही के कारण इन्हें जो सचिवालय में संयुक्त सचिव का जो पद था वहां से दोस्तों निलंबित कर दिया गया है। देखिए दोस्तों, निलंबित कर दिया गया है, निलंबित कुछ खास नहीं होता है, कुछ समय बाद जैसे ही मामला ठंडा होगा दोबारा से रख लेंगे। तो खैर दोस्तों, यहां पर ये बातें हैं, लेकिन आप सभी ने अपनी मांग रखी है, और इसके लिए आप सभी यहां पर बधाई के पात्र है। तो देखिए, ग्राम विकास अधिकारी भर्ती जो मामला लीक हुआ वो तो हुआ ही है, इसके साथ साथ यहां पर जो 8 भर्तियां दोस्तों वह भी यहां पर धांधली के यहां पर इस पर आरोप है और सिद्ध भी हो चुके हैं। तो देखिए, 8 भर्तियों पे धांधली के जो आरोप है वो सिद्ध हो चुके हैं, बाकी और कितनी भर्तियां हैं इस पर अभी कोई जानकारी नहीं है। तो जैसे जैसे दोस्तों मामला सामने आता है वैसे वैसे बातें और भी आगे बढ़ेंगी, और भी पर्दे खुलते जाएंगे, और उम्मीद है दोस्तों यहां पर जितने भी नकलची हैं, जितने भी माफिया हैं, उन सभी की यहां पर गिरफ्तारी होगी। तो देखिए, 32वें नंबर की गिरफ्तारी है, यहाँ पर यह जो गिरफ्तारी है राजवीर सिंह की है, और इसने भी अपने क्षेत्र के आसपास के जो कुछ स्टूडेंट थे उन्हें यहाँ पर धामपुर नकल सेंटर में ले जाकर नकल करवाई थी। तो देखिए दोस्तों, पेपर लीक का मामला है, आप तैयारी करते रहिए, बार बार कह रहा हूँ क्योंकि बहुत ही गंभीर यह मामला है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं फिर आपको नई वीडियो में। तो जय हिंद दोस्तों, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। तो धन्यवाद, मिलते हैं आपको नई वीडियो में।